अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर होगा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रिव्यू व्हाट आर कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथीज बेसिकली हार्ट की वो डिजीजेस हैं जिसमें मायोकार्डियम की कोई प्राइमरी एबनॉर्मैलिटी है। हार्ट की तीन लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। जो मिडल लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है, मायोसाइट्स की लेयर है, वो है मायोकार्डियम। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डिजीज़ प्रोसेसेस हैं जो कि सेकेंडरीली मायोकार्डियम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो डिजीज़ की हम डिस्कशन करेंगे जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी हैं एंड दे आर नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्राइमरी डिफेक्ट है इन द मायोकार्डियम और उसका फंक्शन इम्पेयर्ड है और इसको हम कह रहे हैं कार्डियोमायोपैथी। इससे कार्डियक डिसफंक्शन हो रहा है। एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं जिस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट डू दे मीन बाय सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि फलानी कंडीशन है तो इसमें किस तरह का डिसफंक्शन है, सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। नो नीड टू वरी, इट्स वेरी सिंपल। देखें, हार्ट का बेसिकली दो ही मेन काम है ना, हार्ट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कंट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टली, रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टली। सिस्टली का मकसद होता है कि जो ब्लड उसके अंदर है उसको वो बाहर इजेक्ट कर दे। ठीक है, इजेक्शन ऑफ ब्लड। और डायस्टली का मकसद ये होता है कि हार्ट इसलिए रिलैक्स करता है ताकि वेंट्रिकल्स फिल अप हो जाए विद ब्लड जो उसको अगली सिस्टली में पंप करना है। ठीक है, जिन डिसऑर्डर्स में हार्ट की जो कंट्रैक्शन एबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस कंडीशन में हम कहेंगे देयर इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, वेयर एज अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें वेंट्रिकल्स आर अनएबल टू रिलैक्स प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिक वेंट्रिकल है, बहुत ज़्यादा स्टिफ और रिस्ट्रिक्टेड वेंट्रिकल है, तो इन दैट केस हार्ट प्रॉपरली डायलेट नहीं कर पाएगी और हार्ट जो है वो फिलअप नहीं हो पाएगा और उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी एंड दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, तो अब आपको जब भी कोई सवाल आए कि इस कंडीशन में सिस्टोलिक डिसफंक्शन है या डायस्टोलिक है, तो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज़ कि अगर आपकी वेंट्रिकल्स लूज और फ्लैबी हैं और वीक हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ सिस्टोलिक फेलियर, और अगर वेंट्रिकल्स जो हैं वो स्टिफ हैं एंड दे आर अनएबल टू रिसीव ब्लड प्रॉपरली देन दैट इज़ डायस्टोलिक डिसफंक्शन। आगे चलते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी तीन तरह की डिवाइड की जाती है क्लासिकली। सो द फर्स्ट वन इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये सबसे कॉमन है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। सेकेंड वन इज़ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जो आज की वीडियो का मौजू है और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है। और थर्ड वन इज़ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और ये इन तीनों में से सबसे कम कॉमन है और इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। सो जैसे कि मैंने कहा था कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के लिए यू इमेजिन अ बलून्ड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अ बलून्ड हार्ट, तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में आई वांट यू टू इमेजिन अ बनाना शेप्ड लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बेसिकली एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो सार्कोमियर प्रोटीन होती है वो उसमें कोई डिफेक्ट होता है। अब वो कौन सा डिफेक्ट है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देयर इज़ अ जीनेटिक प्रॉब्लम विद द कंट्रैक्टाइल यूनिट एंड सार्कोमियर प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड, और उसकी वजह से हार्ट जो होता है वो एक हाइपरकाइनेटिक और एक हाइपरट्रोफिक हार्ट होता है। ठीक है, जाहिर है उसकी मसल की पंपिंग एबिलिटी अगर ठीक नहीं है तो हार्ट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हाइपरट्रोफी करेगा ताकि वो अपनी डिमांड्स को मीट कर सके, और उस चक्कर में हार्ट बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। अब इसके दो तरह के वेरिएंट हैं। कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक ही चीज़ है। नहीं, ये उसका एक वेरिएंट है। सो बेसिकली ये जो हाइपरट्रोफी है ये दो तरह की हो सकती है। एक में ऑब्स्ट्रक्शन का एलिमेंट आता है, उसको हम एब्रीविएट करते हैं HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और ये 25% केसेस में होता है। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय ऑब्स्ट्रक्शन। देखें, इसमें जनरली हार्ट के किसी भी हिस्से में हाइपरट्रोफी हो सकती है। टिपिकली ये देखा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल तो ज़रूर ही इन्वॉल्व होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तो है ही है ना, वो हाइपरट्रोफी होगी। लेकिन समटाइम्स जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यानी कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है,
उसका जो अपर पार्ट है वो इस तरह से हाइपरट्रोफी करता है कि अगर आप तस्वीर में देखें तो जिधर आपका एओर्टिक वेल्व है उस हिस्से के आसपास जो अपर पार्ट ऑफ इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी की तरफ ग्रो करता है। और मसला इसके साथ ये है कि ये जो चेंबर का साइज़ है, जो कैविटी का साइज़ है, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइपरट्रोफी होती है, इतनी ज़्यादा मसल ने जगह ले ली होती है तो वो कैविटी के एक्सपेंस पे ली होती है। बाहर से बज़ाहिर हार्ट स्वोलन नहीं होता तो वो अंदरूनी टाइटनिंग होती है जिसकी वजह से बनाना शेप्ड लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी, अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो खैर जो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है उसमें आपका सेप्टम की हाइपरट्रोफी इन्वॉल्व होती है, उसका अपर पार्ट। और उसके साथ मसला ये है, ऑब्स्ट्रक्शन वो इसलिए कराता है क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है तो वो जो हाइपरट्रोफिक पार्ट है ना वो उस कंट्रैक्शन की वजह से और बल्ज आउट होकर ना आगे जाके रास्ता रोकता है ब्लड के आउटफ्लो का। तो समझ लो कि एक तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जैसे कि aortic stenosis में भी जिस तरह होती है, ठीक है। तो there is an impediment, there is an interruption, there is an obstruction in the path of blood flow, ठीक है। तो इसकी वजह से cardiac output बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। So MCQs में examiners love to put this scenario के एक unexplained sudden death हो गई, cardiac arrest हो गया एक young athlete में जिसको बज़ाहिर कोई और मसला नहीं था। So this is the most common cause of sudden cardiac death in young adults and especially in young athletes. अच्छा अभी क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी अ लिटिल बिट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी है। इसमें जेंडर का ऐसा कोई प्रीडिस्पोजिशन नहीं, मेल्स फीमेल्स इक्वली इफेक्टेड हैं। देखा ये गया है कि फीमेल्स टेंड टू प्रेजेंट लेटर बट विद मोर सिवियर हार्ट डिजीज देन मेल्स। ऑल एथनिसिटीज आर प्रोन। इसका एक एपिकल फॉर्म होती है वो एशियंस में ज़्यादा कॉमन है। फिर उसके अलावा ये कि कुछ डिजीज़ कंडीशंस के साथ भी इसका एसोसिएशंस हैं। सो कॉज के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर केस में जेनेटिक मसला होता है। तकरीबन 150 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस हैव बीन एट्रिब्यूटेड। इनमें से अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 50% ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि स्पोरेडिक हैं, न्यू म्यूटेशंस हैं, और बाकी 50 फेमिलियल हैं और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मिससेंस म्यूटेशंस होती हैं। उनमें से 40% जो हैं एबनॉर्मेलिटीज़ वो होती हैं फॉर द जीन कोडिंग फॉर हैवी चेन बीटा मायोसिन और क्रोमोसोम 14। फिर बाकी 40% कार्डियक मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी। उसके अलावा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन डिफरेंट जीन्स के रिलेटेड हो सकता है डिफेक्ट। एंड नतीजा ये है कि आपका सार्कोमेयर डिफेक्टिव है जिसकी वजह से डिफेक्टिव फोर्स जनरेशन होती है। और ये जो एबनॉर्मल सार्कोमेयर्स होते हैं ये कुछ बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो हार्ट की सेल्स हैं ये हाइपरट्रोफी कर जाते हैं। ये एक कुदरत का एक तरीका है टू कॉम्पनसेट फॉर द प्रॉब्लम। तो हार्ट एक हाइपरट्रोफिक और एक हाइपर कंट्रैक्टाइल हार्ट बन जाता है। समटाइम्स ये इतनी ज़्यादा थिकनेस हो जाती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फ्री वॉल थिकनेस है और जो सेप्टल वॉल थिकनेस है उसमें 1.3 टाइम्स से भी ज़्यादा रेशो हो सकती है। हार्ट का वैसे तो कोई भी पार्ट मुतासिर हो सकता है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। और अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव वेरिएंट है तो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का अपर पोर्शन अफेक्ट होता है। सो पैथोलॉजी जैसे कि थोड़ा सा समझाया ही है कि पहली बात तो ये है कि मसल इतनी ज़्यादा हाइपरट्रोफी कर चुकी है कि अंदर जगह ही नहीं रह गई ब्लड के लिए, तो आपकी जो कैविटी का जो रूम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इतनी ज़्यादा मसल बार बार अरेंज हुई हुई है, टाइटली पैक्ड हुई हुई है, तो वो भी एक स्टिफ वेंट्रिकल बन जाती है और इसकी कंट्रैक्टिलिटी मुतासिर होती है, पुअर होती है इसकी कंट्रैक्टिलिटी भी। तो और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव वेरिएंट है तो हर सिस्टली के ऊपर वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का हाइपरट्रोफिक पार्ट आगे जंप फॉरवर्ड करेगा और उसकी वजह से जो ब्लड उसमें से गुजरना था एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा के अंदर, वो जेट बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है और हाई प्रेशर टाइप हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म है उसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सैम, ठीक है। सैम क्या है? सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन। अच्छा अभी थोड़ा सा अपनी विजुअलाइजेशन आप इमेजिन करें थोड़ा सा कि जब इस तरह से होता है कि सिस्टली हो रही होती है तो जो माइट्रल वाल्व का जो एंटीरियर लीफलेट है काइंड ऑफ गेट्स सक्ड इन, ठीक है, towards the direction of the aorta, ठीक है। और उससे ये होता है कि इसको कहते हैं वेंचुरी इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो mitral valve का leaflet है जो anteriorly move करता है
उसकी वजह से यहाँ पे भी ट्रॉमा होता है क्योंकि ये एबनॉर्मल हीमोडायनेमिक्स है, ठीक है। और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का हाइपरट्रोफिक पार्ट है वो भी यहाँ पे जो एबनॉर्मल हीमोडायनेमिक्स हैं, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये फाइब्रोटिक होते हैं, थिक होते हैं, यहाँ पे प्लाक्स बन सकते हैं, ये प्रोन भी होते हैं टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो दिस इज वेंचुरी इफेक्ट। सो डिस्पाइट बींग हाइपरडायनामिक हार्ट, हाइपरट्रोफिक हार्ट, फिर भी वो एक अफेक्टिव पम्प साबित नहीं होता, और एक्सरसाइज ख़ास तौर पर जो है ना प्रेसिपिटेट कर सकती है बहुत ज़्यादा सीरियस फेटल एरिथमियाज। तो पेशेंट की जो पल्स होती है वो जर्की होती है, हाइपरडायनामिक होती है। अब हार्ट का मसला ये है कि जितनी ज़्यादा मसल होगी वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी, तो हार्ट का जो सप्लाई डिमांड है ना उसकी ऑक्सीजन की, वो मिसमैच हो रही है। तो एक तो ये कि बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना उस तक पहुंच नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हार्ट की डिमांड बढ़ गई है। और तीसरा ये कि जो कॉरोनरी वेसल्स हैं जो कि इसके थ्रू गुजरती हैं, अब वो क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं मसल की तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब सिस्टली करते हैं तो हार्ट काइंड ऑफ स्क्वीजेज इट्स ओन ब्लड सप्लाई इन द प्रोसेस, ठीक है। तो हार्ट को इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के वक्त जब ख़ास तौर पे हमें ज़्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स को सिंकपी हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं, और समटाइम्स फेटल टैकीएरिथमियाज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फेलियर की बात करें तो डायस्टोलिक फेलियर है, और ये कॉमन सेंस की बात है अगर आपको हार्ट फेलियर का एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर डायस्टोलिक फेलियर है, हार्ट के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, ज़्यादा इजेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, बैकवर्ड जो फेलियर है उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, लंग्स मुतासर होंगी, तो लंग्स जो हैं उनके रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं हार्ट फेलियर के। फिर ये कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल रेंज में होता है, हो भी सकता है इन वेरी सिवियर केसेस बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हार्ट काफ़ी हद तक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स उसके ऐसे होते हैं कि वो एक इजेक्शन फ्रैक्शन मेंटेन कर रहा होता है जो नॉर्मल रेंज में फॉल करता है। सो फैक्टर्स विच कैन वर्सन द ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें सबसे पहले तो आपकी एक्सरसाइज है जिसमें कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। नंबर टू ये कि अगर प्री लोड डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम एट द एंड ऑफ डायस्ट लीव अगर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, वेजोडाइलेशन, टैकीकार्डिया इसलिए क्योंकि हार्ट जितना तेज बीट करेगा उतना ज़्यादा उसका फिलिंग टाइम कम हो जाएगा, इन सारी सिचुएशंस में ये पेशेंट्स वर्स हो जाते हैं। हिस्टोलॉजी की अगर ब्रीफ सी बात करें तो वो ये है कि मायोसाइट्स का एक नॉर्मल बड़ा ही अच्छा एक जैसा लीनियर किस्म का अरेंज्ड पैटर्न होता है, लेकिन इन दिस केस देयर इज़ अ डिसरे पैटर्न, ठीक है। आपको तस्वीर से भी नज़र आ रहा होगा, नॉर्मल का मैंने तस्वीर साथ रखी है ताकि आपको अच्छा कंपैरिजन हो सके। तो देयर इज़ डिसरे पैटर्न, इंडिविजुअल मायोसाइट्स के अंदर डिसरे है, सारकोमेरस में डिसरे, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है, एंड देयर लार्ज मायोसाइट्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। साइंस एंड सिम्टम्स इंतहाई कंसेप्चुअल है, रट्टा बिल्कुल मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके आए तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखें, जब तक आपका हार्ट कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म से काम चला रहा है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, ठीक है। तो दूसरा ये कि जैसे कि मैंने कहा डायस्टोलिक फेलियर हो रहा है तो उसकी वजह से लेफ्ट हार्ट फेलियर के मुतालिक सिम्टम्स आएंगे, इस तरह के लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स, डिस्निया होएगा, एक्जर्शनल डिस्निया खास तौर पे होएगा, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, फिर पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में फटीग है, सिंकोपी ड्यूरिंग एक्सरसाइज है, फिर एरिथमियाज हो सकते हैं। एरिथमियाज में से भी 25% ऑफ द केस इट इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि ये बात भी ध्यान में रखें कि जब क्रॉनिकली एक स्टिफ वेंट्रिकल के अगेंस्ट एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट कर रही है तो एट्रिया भी कुछ हद तक हाइपरट्रोफिक हो सकती हैं, और एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन सच पेशेंट्स। वीटैक्स हो सकते हैं, वेट वेंट्रिकुलर टैकीरिथमियाज, वी फिब हो सकता है, और पैल्पिटेशन, सिंकपी, लाइट हेडेडनेस, चेस्ट पेन, डिस्निया, इवन सडन कार्डियक डेथ। इस्कीमिया की वजह से जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर इज़ अ सप्लाई डिमांड मिसमैच, तो उसकी वजह से इस्कीमिक चेस्ट पेन भी हो सकती है। सो क्लिनिकली क्या आपको मिलता है जब आप पेशेंट का अच्छी तरह प्रिकॉर्डियल एग्जाम करते हैं, जनरल एग्जाम करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। सो यू विल फाइंड अ हार्श मिड सिस्टोलिक मर्मर दैट इज बेस्ट हर्ड एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ये भी एक क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर है। अब आप सवाल ये होगा कि एओर्टिक स्टेनोसिस में भी तो यही मर्मर होता है,
S1, S2 के दरमियान एक क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर होता है, तो वी हैव मेनूवर्स टू डिफ्रेंशिएट दम, लेकिन यू शुड नो द मर्मर, ठीक है? और ये बड़ा लॉजिकल सी बात है. देखें, मर्मर याद करते हैं अक्सर जो है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं. बड़ा कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ है मर्मर. आपसे पिक ना हो वो और बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए. देखें, एओर्टिक वेल्व का अगर मसला, सॉरी, अगर ये सिस्टली के दौरान प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टोलिक मर्मर है. ब्लड फ्लो वहाँ पे जब हो रही है, और प्रॉब्लम तभी हो रही है जब सिस्टली के दौरान ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रॉपरली, तो जाहिर सी बात है दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है? तो इट इज़ सिस्टोलिक मर्मर, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. और मिड सिस्टोलिक मर्मर इज़ रिड्यूस्ड बाई वेलसेल्वा एंड आइसोमेट्रिक हैंड ग्रिप. भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, परेशान मत हुए. कुछ डायनामिक ऑस्कल्टेशन के मेनूवर्स होते हैं, जैसे कि वेलसेल्वा, स्क्वाटिंग, स्टैंडिंग, आइसोमेट्रिक हैंड ग्रिप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मर्मर्स में डिफ्रेंसीशन करने में हेल्प करती हैं. फिर ये कि इनकी बाइफिट पल्स हो सकती है बिकॉज ऑफ द सैम फिनोमेना, सिस्टोलिक एंटीरियर जो है ना मूवमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व लीफलेट. उसके अलावा ये कि S4 हो सकती है. S4 की सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी वेंट्रिकल स्टिफ होगी, नॉन कंप्लाइंट होगी, तो S4 की आवाज़ आएगी. फिर ये कि अगर आप उसके वेव पैटर्न ड्रॉ करें, तो लार्ज जगुलर ए वेव होगी, बाइफिट कैरोटिड पल्स होगी, सो पैल्पेबल S4 गैलप भी हो सकता है. MR का मर्मर भी साथ हो सकता है, क्योंकि अगर मिट्रल वाल्व डैमेज हो रहा है क्रॉनिकली, तो साथ MR भी हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो ECG सबसे पहले ज़ाहिर लोग करते हैं. तो ECG में आप साइंस देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी के साइंस, सूडो क्यू वेव भी हो सकते हैं, तो V1, V3 में होते हैं. वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की अलग वेव फॉर्म्स होती हैं. एको ज़ाहिर है वो तो चॉइस की इन्वेस्टिगेशन है, दैट्स द बेस्ट. उसमें आपको नज़र आ जाएगी वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, आपको एबनॉर्मल ब्लड मूवमेंट नज़र आएगी डॉपलर के ऊपर. तो सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वाल्व और मिड डायस्टोलिक क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व सब आपको विजुअली अप्रिशिएट हो जाएगा. डॉपलर एको इज़ द मोडेलिटी ऑफ चॉइस. कार्डियक MRI भी कर सकते हैं. सेप्टम की थिकनेस 15 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी उसकी तरफ पॉइंट करता है. इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. अब एक सवाल आता है कि एथलीट्स जो हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी तो होती है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सवाल ये है, बड़ा लॉजिकल सा है. तो उसमें यह है कि अगर ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है, तो थिकनिंग सिमेट्रिकल होगी, लेकिन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर थिकनिंग एसिमेट्रिकल होती है. सो दिस इज़ द ECG. सो मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में लंबी बात नहीं करूँगी, आखिर पैथोलॉजी का लेक्चर है, इट्स नॉट मेडिसिन का लेक्चर, लेकिन एक ब्रीफ सा आपको आइडिया दूंगी. तो देखें, अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का खात्मा तो हार्ट फेलियर पे ही होता है, तो हार्ट फेलियर को ही मैनेज करना होता है, ठीक है? बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एरिथमियाज हैं तो उसके हिसाब से है मेडिसिन, एंटीकोएगुलेशन देते हैं. अब यह है कि हाइपरट्रॉफिक हार्ट है, तो उस चेंबर साइज स्मॉल है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऐसी होगी कि हम कोशिश करते हैं कि हार्ट रेट को किसी तरह स्लो कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही बेचारी वेंट्रिकल के अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो हार्ट रेट थोड़ा स्लो कर लेंगे तो थोड़ा ब्लड ही भर जाएगा, अच्छी इजेक्शन हो जाएगी ब्लड की. तो इन दैट केस बीटा ब्लॉकर्स पहले दिए जाते हैं. अगर फॉर सम रीज़न बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेशेंट को सूट नहीं किए, तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं. डाउन द लाइन डायोरेटिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन उनको बहुत कॉशियसली देते हैं. पेशेंट को मॉनिटर करते हैं कि वो हाइपोवोलीमिया में ना चला जाए, बिकॉज दैट विल वर्सन द प्रॉब्लम. डाइसोपैरामाइड भी दे सकते हैं. समटाइम्स हाइपरट्रॉफिक जो सेगमेंट है, उसकी सर्जिकल एक्सीजन भी हो सकती है. सेप्टल मायोमेक्टमी और एब्लेशन हो सकती है, अगर फार्माकोथेरेपी काम ना करे. अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन क्या चीज़ है? ASA. इसमें बेसिकली ये होता है कि कैथेटर के थ्रू अल्कोहल की इंजेक्शन देते हैं हाइपरट्रॉफिक एरिया में, और एक लोकलाइज्ड इन्फार्क्शन हो जाती है ऑफ दी हाइपरट्रॉफिक पार्ट, और उससे फाइब्रोसिस और श्रिंकेज हो जाती है, और इवेंचुअली ऑब्स्ट्रक्शन एलिविएट हो जाती है. ICD क्या है? इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर. तो कुछ पेशेंट्स जिनकी हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, तो पेशेंट हाई रिस्क होते हैं, उसमें ये भी एक ऑप्शन है. हाई रिस्क में एथलीट हो सकते हैं, उनकी फैमिली में हिस्ट्री हो सकती है इस तरह की सडन कार्डियक डेथ की, सिम्टोमेटिक पेशेंट जिसको और किसी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं मिल रहा, सेप्टम थिकनेस उसकी 30 mm से ज़्यादा है, हिस्ट्री ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशंस वगैरह, तो ऐसे लोगों में पूरा एक क्राइटेरिया बना होता है, तो ये भी एक मैनेजमेंट ऑप्शन है. इसकी प्रोग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो एरिथमियाज आर अ रियल रिस्क. जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं
बिकॉज ऑफ दी एबनॉर्मल हीमोडाइनमिक्स, उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एक हो सकता है पॉसिबिलिटी. लेफ्ट एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, क्योंकि अगर लेफ्ट एट्रिया जो है वो भी डायलेट कर जाते हैं, उनमें भी जो कंडक्शन सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस. देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज इट वर्सन्स द ऑब्स्ट्रक्शन बाय इंक्रीजिंग कंट्रैक्टिलिटी. एक एमसीक्यू पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया. अच्छा जी, थोड़ा सा परेशान नहीं होना, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ. अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसमें और एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या फ़र्क है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं. देखें, दोनों के अंदर हार्श सिस्टोलिक मर्मर है, दोनों में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी करती है और दोनों में आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है. लेकिन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में ये एक डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन है, एओर्टिक स्टेनोसिस में एक फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, ऑब्वियसली कॉज का फ़र्क है, एक जेनेटिक की वजह से है और दूसरा जो है वो सिनाइल चेंजेस यूजुअली होते हैं, और रूमेटिक फीवर की वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस होता है. अच्छा, आपकी सहूलत के लिए ये मैंने रेड में हाईलाइट किया है, इस जुमले को रट लें और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लें. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब भी इंक्रीज करेगा तो ये मर्मर सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ये मर्मर लाउड हो जाएगा. इस जुमले को लिख लो, वहीं पे याद कर लो, ठीक है. और यही एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ इसको फर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस में इंक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल इंक्रीज द मर्मर एंड डिक्रीज विल डिक्रीज द मर्मर. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. एक चीज़ होती है, एक तो मतलब ऑस्कल्टेशन करते ना, एक होती है डायनेमिक ऑस्कल्टेशन. अब ये क्या चीज़ है कि इसमें हम पेशेंट को सर्टन मैनूवर्स कराते हैं और फिर हम मर्मर को सुनने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले तो हम वेलसेल्वा मैनूवर की बात करते हैं. वेलसेल्वा मैनूवर जो है उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने माउथ को बंद करें, नोज को पिंच करें और एक्सहेल करें फोर्सफुली. ठीक है, तो उससे ये होता है बेसिकली कि आपका प्रीलोड कम हो जाता है. प्रीलोड कम होने का मतलब है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गया है, वेंट्रिकल में उस वक्त ब्लड कम हो गया है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन का एलिमेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये मर्मर लाउड हो जाएगा. ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा वेंट्रिकल अगर फॉर एग्जाम्पल बढ़ेगी ना, उसमें ज़्यादा प्रीलोड होगा, तो उससे ये होगा कि वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट है ना, कि माइट्रल वाल्व का इंटीरियर लीफलेट और सेप्टम और सारा कुछ थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा डायलेशन की वजह से. लेकिन जब ऑलरेडी प्रीलोड कम है ना, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होती है तो मर्मर लाउड होता है. ठीक है, समझ आई. फिर इसी तरह आइसोमेट्रिक हैंड ग्रिप भी एक मैनूवर है. इसमें हम क्या करते हैं कि आफ्टर लोड इंक्रीज का होता है इससे, और इससे क्या होता है कि आफ्टर लोड इंक्रीज करने से इसका मर्मर डिक्रीज हो जाता है. फिर आ जाता है जी स्क्वाट टू स्टैंड. पेशेंट सडनली जब स्टैंड करता है ना फ्रॉम स्क्वाटिंग, तो उसका जो प्री लोड है वो रिड्यूस हो जाता है, और अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब एंटास्टोलिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो मर्मर लाउड हो जाता है. फिर स्टैंड टू स्क्वाट, जब पेशेंट सडनली स्क्वाट कर लेता है तो उसका वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, इंक्रीज प्री लोड हो जाता है तो मर्मर सॉफ्ट हो जाता है. ये एक पिक्चर थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ विजुअल निमोनिक. तो नटशेल में क्या है जी, पेशेंट स्क्वाट करेगा या हैंड ग्रिप करेगा तो मर्मर सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर पेशेंट स्टैंड अप फ्रॉम स्क्वाटिंग पोजिशन और वेलसेल्वा मैनूवर तो इसमें मर्मर लाउड हो जाएगा. आई होप कि आपको अच्छी समझ आई, आपके कोई कॉन्सेप्ट बने. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कॉमेंट्स, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.